नमस्कार मित्रों, पुनः हाजिर हैं आप ही के लोकप्रिय चैनल ओम एस्ट्रो वास्तु में। आज एक ऐसी रेखा का विवरण देता हूं। राहु और केतु के नाम सुने होंगे, लोगों को घबराहट होती है। हस्त रेखा में एक रेखा होती है जिसको बोलते हैं केतु की रेखा। कहाँ होती है पहले उसके बारे में बताता हूं। ये बताने की कोशिश करते हैं आपसे। ये नीचे की जो रेखाएं हैं इसको हम मणिबंध रेखाएं बोलते हैं। एक, दो और तीन रेखाएं होती हैं। इस तरह से किसी के हाथ में एक होती है, किसी के हाथ में दो होती हैं और किसी के हाथ में तीन होती हैं। पुरुषों के हाथ में तीन रेखाएं अति उत्तम होती हैं। अब ये इस रेखा से एक छोटी सी रेखा इसके बीच में से अगर छोटी सी यहाँ निकल रही है, ऐसे ऊपर जा रही है, कहीं से भी जाती है, तो इसको बोलते हैं ये केतु का पर्वत हो गया। ये भी केतु होता है तो इसको केतु की रेखा बोलते हैं। पहले तो मैंने आपको ये बताया कि ये रेखा होती किसके हाथ में है। मणिबंध से निकलती है, छोटी सी रेखा बीच में निकलेगी। इस रेखा के अगर किसी के हाथ में है तो इसका विवरण यह है कि ऐसा व्यक्ति बहुत ही सुंदर गाड़ियों वाला होगा, वाहन उसके पास लाइन से लगे होंगे, तरक्की करेगा, घर अपना होगा, प्रतिष्ठा होगी, संपत्ति प्रचुर मात्रा में होगी, अपनी हाथों से कमाई हुई, अपनी मेहनत से कमाई हुई या पिता के द्वारा अर्जित संपत्ति को आगे बढ़ाएगा ऐसा व्यक्ति। केतु रेखा के बारे में और बताता हूं। यहां से ये रेखा निकली हल्की सी और उसके बाद इसने जीवन रेखा को छू लिया, तो ये विवरण अच्छा नहीं है। जीवन रेखा को छूने से आपके जीवन में कुछ शारीरिक कष्टों का बढ़ोतरी नजर आ रही है। उसके विपरीत ये रेखा ऐसे चली और उसके बाद इसने यहां पे पतली सी रेखा बन के चंद्रमा पर्वत पर चली गई, तो ये दिखा रही है कि आपको जीवन में जल यात्रा यानी समुद्र की यात्राओं से धन की बहुत प्राप्ति होगी। मर्चेंट नेवी के लोग ऐसे ही होते हैं जिनको अच्छा धन प्राप्त होता है। ये रेखा यहां से मणिमंत की निकली जिसको हम बोल रहे हैं आपके लिए केतु रेखा, ये निकल के और आगे इसकी शाखाएं ऐसे करके किसी भी तरह से सूर्य पर्वत पर पहुंच गई। उसके बाद कोई शाखा निकल के शनि पर्वत पर पहुंच गई। यहां से निकल के कोई गुरु पर्वत पर पहुंच गई। शनि पर्वत पर अच्छी सौभाग्यशाली रेखा नहीं मानेंगे। बृहस्पति पर जाएगी तो ऐसे व्यक्ति को जल से सारी उम्र लाभ होगा, यानी कोई ऐसी यात्राएं करता रहेगा जिससे इसके धन में बढ़ोतरी होगी और परमानेंट बढ़ोतरी होगी। सूर्य रेखा पे अगर ये पहुंचती है तो प्रतिष्ठा में वृद्धि का भी अच्छा संकेत दिखाता है। दोस्तों अगला वीडियो मैं दूंगा, ये चारों उंगलियों की अलग अलग बात करेंगे, इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में, अंगूठे के बारे में, अंगूठा खुलता है इसका क्या वर्णन, कम खुलता है उसका क्या वर्णन। तो मेरे अगले वीडियो जरूर देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई समस्या है तो मेरा ऊपर एक नंबर आ रहा है, आप एक प्रश्न पूछ सकते हैं, जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। निशुल्क सेवा है, घबराने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद। नमो नारायण।